फर्जंद मेरा दीदवर अब डॉक्टर बन गया, मेरा सुकून दिल मेरा लखते जिगर बन गया। अच्छा, मेहनत से खून, मेहनत के खून पसीने से सींचा है खुद को रात दिन, नन्ना सा पौधा एक फलदार शजर बन गया है। इस मौजज़े में हाथ है उस्ताद वालदेन का, इस मौजज़े में हाथ है उस्ताद वालदेन का, संग एक तराशने से ललो गोहर बन गया। नामे खतीब खानदान रोशन किया है इसने, नामे खतीब खानदान रोशन किया है इसने, चश्मे चराग रश के शमसो कमर बन गया है, फर्जंद मेरा दीदवर अब डॉक्टर बन गया। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग जानते हैं कि नीट का रिजल्ट जो है वो आ चुका है और नीट को क्वालिफाई करने के लिए बहुत सारे बच्चे जो है वो कतार में लगे हुए थे कि कब जो है हम नीट क्वालिफाई करें। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे दीदवर से, जिन्होंने 720 में से 715 नंबर जो है हासिल किए और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है, और खास तौर पर बात करें डोडा डिस्ट्रिक्ट की तो डोडा डिस्ट्रिक्ट का नाम भी जो है रोशन हुआ है। तो दीदवर, सबसे पहले मुबारकबाद आपको। शुक्रिया बहुत बहुत। दीदवर, क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहले आपकी जर्नी को लेकर जानना चाहूँगा कि आपकी जर्नी किस तरह की रही है, कितनी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा इस सफ़र तक पहुँचते पहुँचते। जी, तो सबसे पहले हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीदवर है और मैं होम टाउन में ही पला बढ़ा हूँ, डोडा में। मैंने स्कूलिंग इनिशियली स्टार्ट पैरामाउंट से की थी और नाइन्थ में मैंने ग्रीन मॉडल से शुरू गया था और वहाँ से मैंने ट्वेल्थ तक पढ़ा था। उसके बाद मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था 2023 में, जिसमें मुझे 577 आए थे और जिसमें मुझे प्राइवेट कॉलेज में मिला था एक सीट, मगर वो मैंने ड्रॉप कर ली। और एक साल ड्रॉप करने के बाद मैंने आकाश में कोचिंग की 2023 से 2024 तक, और नीट 2024 मैंने एग्ज़ाम दिया पाँचवें को, जिसके बाद आज रिज़ल्ट आया और मुझे 715 नंबर आए, जो कि काइंड ऑफ बहुत अनएक्सपेक्टेड थे मेरे लिए। मेरा आइडिया 680 के आसपास था जब मैंने इनिशियली कोचिंग में भी टेस्ट दिए थे, मेरे इसी के अराउंड नंबर आ रहे थे। तो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने नंबर जो है आएंगे? इनिशियली एग्ज़ाम के बाद तक एक्सपेक्टेशंस नहीं थी ऐसी, मगर जब OMR आई थी और एक्चुअली मैं जब घर आया था और मैंने टेंटेटिव आंसर कीज़ देख ली थी, उसके बाद तो आइडिया हो गया था मेरा 700 प्लस है। मगर एग्ज़ाम तक बहुत टेंस था थोड़ा सिचुएशन, मगर उसके बाद एग्ज़ाम बहुत ईजी था इस साल, सबको पता होगा, इसीलिए थोड़े मार्क्स भी सबको ज़्यादा ही आए। अच्छा, आपकी जैसे आपने कहा कि स्कूलिंग पैरामाउंट से हुए, तो जानना चाहूँगा कि आपका जो मतलब नीट को लेके इंटरेस्ट था वो पहले से ही, शुरुआत से ही आपने सोच के रखा था कि नीट क्वालिफाई करना है, इसी फील्ड में जो आगे जाना है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। बेसिकली मेरे पापा मैथ के टीचर हैं, तो इसलिए हम मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। हम दो भाई हैं, जैसे हम दोनों मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, और एट द एंड तक आई गेस ट्वेल्थ तक मैं यही सोच रहा था कि मैं BCA या BTech ऐसी चीज़ों में जाऊँगा, मगर बेसिकली 11th में जब डिसाइड करना था कि मुझे मैथ्स पकड़ना है या बायो पकड़ना है बेसिकली, तो अब मैं डिसाइड नहीं कर पाया अच्छे से, इसलिए मैंने PCB में पकड़ लिया। और फिर मैंने बेसिकली 12th में डिसाइड किया क्योंकि मेरा भाई BCA कर रहा है आज, इसीलिए मैंने डिसाइड किया। और माँ ने एक्चुअली बोला मुझे कि वो चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूँ, इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं ये ट्राई करते हैं। और बेसिकली मैंने ये भी सोचा कि ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, आगे फ्यूचर में इसको बहुत स्कोप है बेसिकली, और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है इस फील्ड में, रिस्पेक्ट तो है ही और बाकी भी बहुत। आपने सोचा कि अपने इलाके के जो लोग हैं इनके लिए, इनको अभी शुरू करें हम खास तौर पर? बिल्कुल, वो तो होता ही है, जब एक डॉक्टर बनने की वो लिस्ट बनती कि क्यों डॉक्टर बनना है, उसमें से वन ऑफ द पॉइंट्स हर किसी की लिस्ट में ये होगा ही कि सर्व करना है अपने सोसाइटी को। अच्छा, आपसे ये भी जानने की कोशिश करूँगा कि पढ़ाई को लेकर खास तौर पर बचपन से ही इस तरह की पढ़ाई करते थे या बचपन से पहले डेरे डाले थे, घूमने फिरने का शौक था, कभी घर वाले डांटते वगैरह थे कि नहीं जी आप सिर्फ घूमते हो पढ़ते, ऐसा कुछ रहा कभी बचपन से? नहीं, बहुत मैं कहूँगा एक कन्वेंशनल पेरेंटिंग थी बड़ी, कुछ लोग कहेंगे स्ट्रिक्ट थी, मगर मेरे हिसाब से बहुत हम पढ़ते ही थे, ज़्यादा टाइम खेलते बहुत थे पापा के साथ, हम तकरीबन रोज़ सर्दियों में क्रिकेट खेलते थे, ऐसा नहीं खेलने की कमी थी, मगर पढ़ाई हम बहुत अच्छे से ही करते थे बचपन से ही, बहुत मदद की बेसिकली पापा जी ने हमें। मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट इन नंबरों का तो बेसिकली पापा जी को ही जाता है,
उसके बाद फिर टीचर्स और फिर मुझे भी जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा आपके मतलब बेसिकली आप कहाँ के हैं? बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपने पढ़ाई कहाँ से की है, मतलब वो थोड़ा स्टार्टिंग की कहाँ की जर्नी रही आप? जी, तो बेसिकली मेरे पापा ठाठरी के हैं और वो शादी के बाद यहाँ शिफ्ट हुए थे और मैं बचपन से यहीं पला डोडा में पला बढ़ा हूँ और स्कूलिंग भी यहीं हुई। और इस साल मैं पहली बार जम्मू गया था आकाश में कोचिंग करने के लिए। अच्छा, फैमिली सपोर्ट, जिस तरह आपने कहा कि बचपन से ही ये सब चीज़ें लगी है, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस भी था, लेकिन ओवरऑल फैमिली की सपोर्ट किस तरह की रही है, पढ़ाई को लेके या मस्ती को लेके भी, ओवरऑल मतलब क्या कुछ सपोर्ट रही है? मैं परफेक्ट सपोर्ट रही मेरे हिसाब से, बिल्कुल बेस्ट पेरेंटिंग कह सकते हैं एक हिसाब से। कोई भी चीज़ अगर मुझे चाहिए हो, चाहे वो खाने पहनने या किसी भी चीज़ में अगर मुझे चाहिए, तो मुझे कभी मना नहीं किया गया। और यही पढ़ाने का जो पापा जी ने जिम्मेवारी लिया, हमें खुद उनने पढ़ाया बचपन से ही, तो बेसिकली उससे बहुत मदद हुई। बचपन में ही हम बहुत सीख चीज़ गए थे जो हमारे कंटेम्प्रेरीज को नहीं आ रही थी। अब जैसे आपने कहा कि पापा भी टीचर रहे हैं, तो पापा से भी पहले पढ़ते थे आपकी, क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि अगर घर में कोई टीचर हो तो उससे हम कम पढ़ते हैं, हम अक्सर बाहर पढ़ने जाते हैं, तो क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने घर में ही पढ़ा, पापा से ज़्यादा पढ़ा? तो बेसिकली मैंने बचपन से पापा जी से पढ़ा था और मैंने बचपन से लेकर 12th तक कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की, ना कोई मतलब होम कोचिंग या कोई ट्यूशन या कुछ भी ज्वाइन नहीं किया, सिर्फ स्कूल जाता था मैं। और पहली बार मैंने आकाश की कोचिंग ड्रॉप ईयर में ज्वाइन की और पापा जी ने ऑलमोस्ट 10th तक मैं कहूँगा हमें पढ़ाया। उसके बाद थोड़ा सा मैं अपने उसमें फील्ड में सेसाई हो गया, तो उसमें मैं खुद पढ़ने लगा काफ़ी और टीचर्स ने भी हेल्प की। और फिर कोविड के दौरान मैं थोड़ा सा इंटरनेट से भी मैंने पढ़ा, उसके बाद 12th के बाद भी थोड़ा सा इंटरनेट से पढ़ा फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए, बस वही था, उसके बाद तो फिर कोचिंग का। अच्छा, उसके अलावा आपने बोला कि आकाश से मैंने जो है अपनी पढ़ाई की, अपनी कोचिंग वहाँ पर की, तो आकाश को लेके भी जानना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि आकाश से बहुत सारे जो है क्वालिफायर आगे निकल जाते हैं और आकाश की पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी है, तो उसको लेके भी थोड़ा जानना चाहेंगे और व्यूअर्स तक भी पहुँचाना चाहेंगे कि आकाश को लेके आपका क्या कुछ कहना है? ऐसे तो कोचिंग तो मेरे हिसाब से बच्चे को इंडिविजुअली डिसाइड करनी चाहिए अपने अपने लिए, मगर मेरे लिए कोचिंग का जाने का एक दो रीजंस थे कि मैं खुद वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पा रहा था घर में जब मैं ऑनलाइन पढ़ रहा था। अगर एक टाइप पे लेक्चर चल रहा था, एक टाइप पे यूट्यूब चल रहा था, तो वो मैं नहीं चाह रहा था इस साल भी हो, इसलिए मैंने ऑफलाइन जो क्लासिकल हम यूज टू हैं इन चीज़ों की क्लासेस की, ऑफलाइन क्लासेस की, इसलिए मैं गया था, ताकि कोई प्रोकेस्टिनेशन ना हो। कुछ चीज़ों की जिम्मेवारियाँ होती हैं, अगर आप जैसे टेस्ट कब देना है, टेस्ट का स्कोर चेक करना है, आपको एनालाइज करना है, वो कुछ चीज़ें वो आकाश वाले करते हैं, बहुत अच्छा मटेरियल भी होता है आकाश वालों का, इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ जिम्मेवारी अगर उनकी होगी तो मेरी जिम्मेवारी कम हो जाएगी, इसलिए मुझे मेहनत कम करनी पड़ेगी। साफ तौर पर यही कि अगर आपने कोचिंग वहाँ पर की तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा निकलता है। रिज़ल्ट तो बेसिकली अच्छा ही आता है हर बार, जैसे लास्ट कुछ सालों से टॉपर्स जो हैं जेके के टॉपर्स आकाश से ही आ रहे हैं, और भी बहुत शायद इस बार भी बहुत सारे टॉपर्स 720 और 720 बहुत आकाश से आए हैं, तो रिज़ल्ट तो ऑब्वियसली बताता ही है कि अच्छा इंस्टीट्यूट है। बाकी जो मैं कहूँगा पर्सनली, अगर किसी को कोचिंग नहीं भी जाना है, कोई ऑनलाइन ही पढ़ना चाहते हैं ऐसा कुछ है, तो आकाश की टेस्ट सीरीज़ मस्ट है, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़, बहुत परफेक्ट रेलिवेंट मैं कहूँगा टेस्ट सीरीज़ है। अननेसेसरी कुछ कोचिंग्स बहुत मुश्किल पेपर बनाती हैं या कुछ कोचिंग्स बहुत आसान पेपर बनाती है, बहुत ही, मगर आकाश का जो ये टेस्ट सीरीज़ है बहुत ही रेलिवेंट है और आप ज्वाइन कर सकते हो, मेरे हिसाब से आपको ज्वाइन करना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा आप थोड़ा फैमिली को लेके कुछ चीज़ें जानना चाहूँगा, क्योंकि जब आपका रिजल्ट आया खास तौर पर, उस वक्त जो है सबसे पहले खुद आपने देखा या आप तक ये चीज़ें पहुँची, और उसके बाद जब घर पहुँची ये चीज़ें कि आपका रिजल्ट आया, इतने नंबर आए, तो फैमिली रिएक्शन किस तरह का था, एंजॉयमेंट किस तरह की आपने की, सेलिब्रेशन किस तरह की वो भी जानना चाहूँगा। सेलिब्रेशन तो बहुत ज़्यादा की, आज ही कर रहे थे हम, आज ही सबको पता चल रहा, सब फैमिली मेम्बर आए, बहुत खुशी का मौका रहा, फिर रिलेटिव जितने भी थे सब आए, और सबसे पहले मैंने पापा और माँ को बताया तो उनको भी खुशी हुई ऑब्वियसली, मुझे ही सबसे पहले पता चला था, मैंने खुद देखा था, तो यही था। उसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं इनके पापा, यहाँ पर जुड़े हैं नासिर अहमद जी, इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अक्सर जब आपका बच्चा जो है आगे बढ़ता है, जब आपका बच्चा टॉप करता है या आगे निकलता है, तब कितनी ज़्यादा खुशी होती है, तो नासिर जी सबसे पहले मुबारकबाद आपको। शुक्रिया आपका बहुत, हम आपके बहुत ममनून और मसनून हैं कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और हमारे फर्जंदे अर्जमंद का इंटरव्यू लिया, और इसके लिए बहुत खुशी। जब इसने हमें रिज़ल्ट सुनाया तो हम खुशी से बाग बाग हो गए, तो हमें इतना यकीन नहीं था, मुझे तो था यकीन कि ये 700 पार हो जाएगा, लेकिन फिर भी
आदमी को डर ही रहता है कि कहीं गलती नहीं हो जाए, मगर आखिर ऊपर वाले का शुक्रिया है कि इसने 715 नंबर हासिल किए। तो इस सबसे मैं पहले एक शेर इसके लिए मैं अर्ज़ करता हूँ। तो शेर इस तरह है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। इसका नाम भी दीदवर है तो इस पे शेर फिट आता है। तो अब इसने बखूबी आपके सामने रखा, ये पेश किया कि मेरी कामयाबी का राज क्या है। तो इसकी कामयाबी का राज इसकी मेहनत है, और जहाँ तक मैं खुद भी एक टीचर हूँ तो मैंने बचपन में तो इनकी जो बेस है तो बेस बनाई है, मैंने मेहनत की है। तो एक बच्चे की कामयाबी के लिए जो ज़रूरी है वो बेस होनी चाहिए। सबसे पहले जो इंग्लिश पे जोर और मैथ वगैरह, तो इंग्लिश ग्रामर वगैरह इनको मैंने अच्छी तरह समझाया था ताकि ये अच्छी तरह आगे बढ़ सकें। इसके अलावा ये दिन रात मेहनत करता रहा, तकरीबन ये 3 बजे रात के 3 और 4 बजे तक मतलब पढ़ाई करता था। उसका फल, उसका नतीजा है कि इसने इतने नंबर हासिल किए हैं। तो इस सिलसिले में मैं इसका जो स्कूल है पैरामिड स्कूल है और ये जो ग्रीन मॉडल है वहाँ पर इसने तालीम हासिल की, उनके उस्तादों का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेहनत की। और आखिर पर यहाँ पर जम्मू में आकाश सेंटर जो है कोचिंग सेंटर है, उन्होंने बड़ी मेहनत किया, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, जहाँ पर उस्ताद उन्होंने मेहनत की और वहाँ पर टेस्ट सीरीज की वजह से जो है इसकी जो ये है इतने नंबर हासिल हुए। अच्छा, उसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि ख़ास तौर पर जब बच्चा आपका छोटा होता है तो शरारती काफ़ी ज़्यादा होता है, तो क्या बचपन से आपने इनकी शरारतें देखी हैं या बचपन से ये पड़ाकू टाइप के थे? नहीं, शरारती नहीं थे ये, बिल्कुल पड़ाकू और डिसिप्लिनड थे ये। मतलब इसके जो बुक्स वगैरह होती थी वो बिल्कुल होनी चाहिए थे, और कभी ये मतलब लापरवाही नहीं करते थे पढ़ाई में या होमवर्क में, तो कभी इसने लापरवाही नहीं, बिल्कुल डिसिप्लिनड रहे हैं और मेहनत करते थे, तो किसी किस्म की लापरवाही इसने नहीं की है। तो उस यही वजह है कि आज इसने इतने नंबर हासिल किए हैं। अब इनने नीट जो है वो क्वालिफाई किया है, अब क्या एक्सपेक्टेशन जो है आप रखते हैं खासतौर पर अपने बच्चे से? तो मेरी यही एक्सपेक्टेशन इसे रहेगी कि ये एक अच्छा काबिल डॉक्टर बने और पूरे कौम की खिदमत करे, खासकर यहाँ जो डोडा के लोग हैं यहाँ पर ही, बाद में ये कोशिश करे कि यहाँ पर ही ड्यूटी अपना अंजाम दे और यहाँ पर लोगों की खिदमत करे। अच्छा, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं खासतौर पर जो अपने बच्चों को या तो खुला छोड़ देते हैं या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस करते हैं, तो आप क्या कुछ कहना चाहोगे कि किस तरह अपने बच्चे को जो है खासतौर पर मेंटेन करके रखना है, किस तरह अपने बच्चे को चलाना है? देखो, आप ये जो है नैप बोलते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके मुताबिक बच्चे को ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना होता है, तो उसको थोड़ी सी फ्रीडम भी देनी है। उसको मतलब उसका जो टैलेंट है, पहले उसका टैलेंट देखना है, उसमें इंटरेस्ट कहाँ है, टैलेंट किस में है उसी को। कुछ पेरेंट्स उसमें टैलेंट नहीं, उतना नहीं होता है, वो प्रेशराइज करते हैं कि आपने डॉक्टर ही डॉक्टर बनना है। सब पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं कि डॉक्टर बनना है, पहले उसको देखना है उसमें इंटरेस्ट किस में, कहीं वो जेई में इंटरेस्ट होता है, कहीं टीचर बनने में इंटरेस्ट होता है, कहीं फौजी बनने में इंटरेस्ट है, तो उसी फील्ड में उसको मौका देना चाहिए। तो ये भी मेरी मतलब राय है, ये भी मेरा कहना है। खासतौर पर पेरेंट्स में मदर या फादर में लाडला खासतौर पर किन का ज़्यादा है? लाडला ये अपनी मम्मी का है, मैं भी प्यार करता हूँ मगर ज़्यादा ये लाडला अपनी मम्मी का है, तो मम्मी का है तो हमारा दोनों का है, मगर ज़्यादा लाड प्यार मम्मी से मिलता है। तो आपने मैं एक थोड़ा इसके लिए एक दो मतलब अशार बनाए हैं तो मैं पेश करना चाहता हूँ। तो फर्जंद मेरा दीदवर अब डॉक्टर बन गया, मेरा सुकून दिल मेरा लखते जिगर बन गया। अच्छा, मेहनत से खून, मेहनत के खून पसीने से सींचा
है खुद को, रात दिन नन्ना सा पौधा एक फलदार शजर बन गया है। इस मौजज़े में हाथ है उस्ताद वालदेन का, इस मौजज़े में हाथ है उस्ताद वालदेन का, संग एक तराशने से ललो गोहर बन गया। नामे खतीब खानदान रोशन किया है इसने, नामे खतीब खानदान रोशन किया है इसने, चश्मे चराग रश्के शमसो कमर बन गया है। फर्जंद मेरा दीदवर अब डॉक्टर बन गया है, मेरा सुकून दिल मेरा लखते जिगर बन गया है। इसी के साथ मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देख लिया साफ तौर पर कि खुशी कितनी ज़्यादा है, और इसी खुशी में कुछ लफ्ज़ जो है अपने बेटे के लिए लिखे हैं, तो कहीं ना कहीं मुबारकबाद तो आज बनता है। उसके अलावा एक और चीज़ आपसे जानने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अब नीट क्वालिफाई करना है या जो सोच रहे हैं कि हम भी नीट क्वालिफाई करें या हमने भी कोचिंग खास तौर पर करनी है, तो आप अपना शेड्यूल जो है बता सकते हैं कि किस तरह पढ़ना है, कितने टाइम पढ़ना है, कितने टाइम मतलब मेहनत करनी है, इस चीज़ को लेके वो भी थोड़ा बताया। तो जो डेली स्केड्यूल में मैं घंटे हिसाब से नहीं, मैं टॉपिक हिसाब से देखता था। जो मैंने दिन में बेसिकली कोचिंग में पढ़ा वो मुझे घर आके नोट्स बनाने या रिवाइज़ करना है जिस हिसाब से आप करना चाहें, और उसके बाद बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस लगती है, खासकर फिज़िक्स और फिज़िकल केमिस्ट्री वाले में टॉपिक्स में और सब्जेक्ट्स में बेसिकली। और इसके अलावा जो बायो है वो सबको ही पता है कि एनसीईआरटी, उसके अलावा और कोई करने की काम कोई भी बुक करने की ज़रूरत नहीं। इसके अलावा रही बात इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की, वो भी बेसिकली ज़्यादातर एनसीईआरटी से ही है। आज कहूँगा मैं अब तो बहुत इजी हो रहे हैं पेपर, तो सिर्फ एनसीईआरटी ही एनएफ है बहुत ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। बायो में इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी, फिज़िक्स में क्लास के नोट्स और बहुत सारी प्रैक्टिस, और फिज़िकल केमिस्ट्री में भी सेम। और अगर आपके पास टाइम है तो बेसिकली आप फिज़िकल केमिस्ट्री की भी एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा सवाल थ्योरेटिकल आते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री में भी, न्यूमेरिकल कम आते हैं, तो एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी हो गया। रही बात फिज़िक्स की एनसीईआरटी की, तो मैंने पर्सनली फिज़िक्स की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी बिल्कुल भी, और उससे एक बेसिकली सवाल आया था जो मुझे टेक्निकली गलत हो गया था, मैं उसका बोनस हो गया एट द एंड ऑफ द डे। मगर ऐसा कि बहुत कम सवाल आते हैं डायरेक्ट फिजिक्स की एनसीईआरटी से, तो उस पर उतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं अगर आपके पास टाइम नहीं। लगभग कितना पढ़ना है दिन के हिसाब से, अगर शेड्यूल निकाल हो कितना टाइम पढ़ना है? बहुत वेरिएबल टाइम होता था, अगर कोचिंग हटा दें तो 4 घंटे भी होता था, 6 घंटे भी होता था, बस 4-6 घंटे से ज़्यादा नहीं होता था। अगर कभी टेस्ट या लास्ट के कुछ दिनों में मान लिया जो एक्चुअल पेपर के कुछ दिन पहले, तब तो ज़्यादा हो जाता था क्योंकि कोचिंग नहीं होती थी और पूरा दिन बेसिकली पढ़ते ही था मैं। सुबह उठता था पढ़ता था, खाना खाने के बाद चाय पीने तक पढ़ता, चाय पीने के बाद डिनर तक, डिनर के बाद 1-2 बजे तक या 3 बजे तक भी पढ़ता था बेसिकली। तो पढ़ना कंटिन्यू है, पढ़ना कंटिन्यू लास्ट कुछ दिनों में बेसिकली। इनिशियली तो बहुत फ्री था मैं, इनिशियली मैं बेसिकली मेरे पास फ़ोन मैंने रखा नहीं रखा था बेसिकली, तो इनिशियल कुछ दिनों में मेरे पास लैपटॉप था 1-2 महीनों के लिए, जिसके पर मैं बहुत मतलब टाइम वेस्ट कर रहा था, तो वो भी मैंने फिर यहाँ डोडा भिजवा दिया था जम्मू से। तो मैं कहूँगा कि अगर आप फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो ज़रा सा भी, तो मुझे लगता है आपको उतनी ज़रूरत नहीं है उसकी, अभी आप बिना उसके भी काम चला सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप जिन्होंने आपके पीछे जो इतनी सपोर्ट रखी है आपके पेरेंट्स के लिए कुछ लफ्ज़ कहने होंगे तो क्या कुछ कहो? मेरे हिसाब से तो एक मतलब अनपेएबल डेट जैसा होता है पेरेंट्स का, जिसको आप कितना भी थैंक यू या कितना भी कुछ बोल लो उसको आप रिपे नहीं कर सकते। एक ऐसा बस एक अनकंडीशनल लव जैसा रखना, अफेक्शन जैसी रखनी होती है अपने पेरेंट्स के लिए हमेशा, बस वही होता है। क्योंकि मेरे आज की जितनी भी अच्छी चीज़ें अचीवमेंट्स हैं या आगे जितनी भी होंगी वो बेसिकली मेरे पेरेंट्स की वजह से। क्योंकि भले ही कह दूँ मैं कि जो स्कूल्स हैं या टीचर्स हैं उनने बहुत मेहनत की, ऑब्वियसली की है, मगर उन पेरेंट्स के बगैर मुझे नहीं लगता मैं अगर सेम वही रूट फॉलो करता पेरेंट्स की मदद के बगैर मैं यहाँ पर पहुँच पाता। तो पेरेंट्स का तो शुक्रिया ही हमेशा है। चलो शुक्रिया। तो आपने देख लिया साफ तौर पर दीदवर हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने जो है नीट क्वालिफाई किया और लगभग 720 में से 715 नंबर लिया। और उसके अलावा दीदवर को लेके बात करें तो ठाठरी के रहने वाले हैं, ठाठरी से शुरुआत की है, उसके बाद डोडा में सफ़र इनका आगे शुरू हुआ है, और उसके बाद
फाइनली कोचिंग जो है वो आकाश जम्मू से की है और उसके बाद आज जाके जो है इस तरह का रिजल्ट जो है सामने मिला है, खुशी काफ़ी ज़्यादा हुई है। और साफ तौर पर बच्चों से भी यही अपील हुई है कि किस तरह का पढ़ना है, कितने टाइम आपने पढ़ना है, और इससे कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में बच्चों को भी फ़ायदा हो सकता है। तो खासतौर पर यही कि बच्चों ने क्वालिफाई किया, और खुशी तब होती है जब अपने इलाके का बच्चा जो है इतनी मेहनत करे और इतना आगे बढ़े, तो उससे कहीं ना कहीं खुशी की लहर जो है पूरे इस इलाके में जो है रहती है। तो उम्मीद करेंगे आगे जितने भी बच्चे हैं वो भी इसी तरह मेहनत करेंगे, और कोशिश करेंगे हम भी जितने भी और भी टॉपर होंगे आप लोगों तक उनकी मुलाकात ज़रूर करवाएंगे।